वारिस पठान जी, अलाउ मैं मी ये टाइम कह टू रहा रिपोर्ट हूँ, आंसर, अलाउ मी जस्ट टाइम टू रिपोर्ट या आंसर। वारिस पठान जी, मैं ये कह रहा हूं कि देश संविधान से चलेगा और देश कानून के साथ चलेगा, और हम चाहे 130 करोड़ है, 30 करोड़ आप बोलते हैं, 100 करोड़ इधर बोलते हैं, 130 करोड़ लोग संविधान और कानून को मानेंगे और उसके अनुसार फैसला करेंगे। जो चीजें ज्ञानवापी में निकल के आई हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता ना, शिवलिंग को इग्नोर नहीं कर सकते, त्रिशूल को इग्नोर नहीं कर सकते, वो जो सनातन संस्कृति के चिन्ह है उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। और वारिस भाई एक बात तो आप भी जानते हैं, आप हृदय से बोलो कि पूर्व में यहां मंदिरें तोड़ी गई थी कि नहीं, आपको पता है, आप अच्छे से जानते हो, लेकिन अगर स्वीकार नहीं करना चाहते तो फिर कोई क्या कर सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि हमारी भी इच्छा है कि हमारे जो कुछ मंदिर टूटे थे, देखो भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान भोलेनाथ, ये तीन को हम लोग बहुत मानते हैं, ये तीनों एक ही रूप है। आपकी बात का तो ये जवाब तो दे हमें रहा हूँ मिलना चाहिए ना, सदगुरु जी ये हमें आपकी मिलना बात का चाहिए जवाब ना। दे रहा हूँ मैं, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही सदगुरु जी, आपने कहा कि देश संविधान पे चलेगा, मैं उसी का उल्लंघन करना चाहता हूँ कि संविधान पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है, प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो उसमें लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 तक की जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, मॉन्यूमेंट है, उसका नेचर या कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। आप इस बात को संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का सूट डिसाइड हो रहा था, टाइटल सूट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संविधान का अटूट हिस्सा है कि आप किसी भी धार्मिक स्थल जो 15 अगस्त 1947 तक है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो फिर क्यों ये लोग बोलते हैं, नोबडी इज चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑन दैट, ऑन दैट, ऑन दैट मैं एक ही बात कहूंगा, आई विल टेल यू। ओके 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 आई